दोस्तों, मंथन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको तितली के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही रोचक, मजेदार और ज्ञानवर्धक है। हमें उम्मीद है कि तितली के बारे में ये रोचक तथ्य आपको जरूर पसंद आएंगे। पूरी दुनिया में तितली की लगभग 20,000 प्रजातियाँ हैं। भारत में इनकी 1500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। औसतन एक तितली की आयु 1 महीने की होती है, लेकिन अलग अलग प्रजातियों की उम्र अलग अलग हो सकती हैं। इसके अलावा मादा तितली नर की तुलना में अधिक उम्र तक जिंदा रहती हैं। जिस अंडे से तितली बाहर निकलती हैं, उसी अंडे का छिलका उसका पहला भोजन होता है। तितलियाँ अपने भोजन का स्वाद अपने पैरों से लेती हैं। किसी वस्तु के गंध का पता उन्हें सिर पर लगे हुए एंटीना से मिलता है। तितलियाँ पराबैंगनी किरणों को भी देख सकती हैं। उनकी आँखों में लगभग 6,000 लेंस लगे हुए होते हैं। हजारों लेंस लगे होने के बावजूद भी ये सिर्फ लाल, हरा और पीला रंग ही देख सकते हैं। तितली दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती हैं। बस अंटार्कटिका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी तितली नहीं मिलती। पूरी दुनिया में मोनार्क तितलियाँ एकमात्र कीट है जो हर सर्दियों में औसतन 2500 मील की यात्रा करती हैं। वैज्ञानिकों को लगता था कि तितली बाहरी होती है, लेकिन सन 1912 में तितलियों की कान की पहचान की गई। तितलियों के पास एक लंबी ट्यूब जैसी जीभ होती है, जिसके जरिए वे अपने भोजन को सोख लेती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई वयस्क तितलियाँ अपना खाना पूरी तरह से पचा लेती हैं और अपने शरीर से कुछ भी कचरा बाहर नहीं निकालती हैं। इनका खून ठंडा होता है। अगर हवा का तापमान 55 डिग्री फॉरेनहाइट से कम हो जाए तो तितलियाँ नहीं उड़ सकती, क्योंकि तितलियाँ ठंडे खून वाले होते हैं। वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते और ठंड की वजह से उड़ नहीं पाते। तितलियों के पंख पारदर्शी होते हैं। जो रंग और पैटर्न हम देखते हैं, वे दरअसल पंखों के ऊपर लगे पतले परत पर प्रकाश परावर्तन से बनता है। तितलियाँ आकार में भिन्न भिन्न हो सकती हैं। सबसे बड़ी प्रजाति का आकार 12 इंच, लेकिन सबसे छोटी तितली आकार में सिर्फ आधा इंच हो सकती है। तितली की कुछ प्रजातियाँ केवल एक ही प्रकार के पौधे पर अंडे देती हैं। पुरुष तितलियों के लिए कुछ जरूरी खनिज और तत्व पौधों व फूलों में नहीं पाए जाते। इन्हें गीली मिट्टी से ये सारे तत्व प्राप्त हो जाते हैं। जन्म के बाद एक झिल्ली को तितली बनने में 10 से 15 दिन लगते हैं। बर्डविंग नामक प्रजाति के तितलियों के पंख पक्षियों की तरह होते हैं। ये चिड़ियों की तरह ही उड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी उड़ने की रफ्तार ही नहीं, बल्कि इनका दिमाग भी गति से तेज चलता है। तितलियों के पीठ पर 4 पंख होते हैं। मादा तितली हमेशा पत्ते के निचले हिस्से में ही अंडे देती हैं, इसलिए ज़्यादातर इसके अंडे दिखाई नहीं देते। वयस्क तितली औसतन 3 से 4 सप्ताह तक जीवित रहती है। तितली की कुछ प्रजातियाँ बेहद तेज होती हैं। स्कीपर नामक तितली घोड़े से भी तेज उड़ सकती है। तितलियों की कुछ प्रजातियों को कई बार जानवरों के खुले घावों से खून पीते भी देखा गया है। बॉकॉइज नामक तितली सबसे अधिक पाई जाने वाली तितली है, जिसके शरीर में आँखों की तरह दिखने वाले अलग अलग रंग के पैटर्न बने होते हैं। विशाल स्वैलॉन टेल बटरफ्लाई दुनिया की सबसे बड़ी तितली प्रजाति में से एक है, जिसके पंखों का फैलाव 4 से 7 इंच तक हो सकता है। तितली की कई प्रजातियाँ बहुरूपी होती हैं और अपने आसपास के वातावरण में घुलने मिलने की क्षमता रखते हैं। हम सभी तितलियों से वाकिफ हैं, तितलियों को जानते हैं, लेकिन इतनी गहराई से नहीं जानते। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा सुनकर।